नमस्कार, स्वागत है आज की ताजा न्यूज में। हम छोटी छोटी बातों को बदलेंगे ब्रेकिंग न्यूज में। कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग फिर से करने वाले हैं इंस्टॉलिंग 50 मोड्स इन GTA सैन एंड्रियास। इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा व्यूज आए थे, इसलिए मजा आ गया, इसलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी निकाल रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखने से पहले इससे देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और आई बटन में आ गया होगा। तो लास्ट वीडियो कुछ इस जगह पर ख़त्म हुई थी, तो आज हम लोग यहाँ से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो GTA सैन एंड्रियास के जितने भी कार्स हैं उनके अंदर का इंटीरियर ये वगैरह वगैरह उतना अच्छा नहीं है, अंदर का हैंडल ये सब, तो इसका टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन सा लगता है। इसके लिए भी मैंने एक मोड इंस्टॉल किया जिसका नाम है व्हीकल एचक्यू रीटेक्सचर। इसे इंस्टॉल करने पे देख सकते हो ये बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले मोड की तरफ। ओके, तो हमने कार्स ये सब को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया, लेकिन अब हम लोग आते हैं UI पे। तो इस गेम की UI उतनी भी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने एक मोड इंस्टॉल किया है जिसका नाम है GTA 5 HUD। तो ये मोड बिल्कुल गेम को GTA 5 जैसा बना देता है। ऐसे मिनी मैप चेंज हो जाता है, इसका ये वेपन वाला व्हील भी एकदम एडवांस हो जाता है GTA की तरह, और कार में बैठने पर जब आप रेडियो ऑन करते हैं तो ये भी बिल्कुल GTA टाइप आ जाता है, GTA 5 टाइप। ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो गेम के मिनी मैप और नॉर्मल मैप उतने अच्छे नहीं हैं, तो इसे भी मैंने अच्छा करने के लिए एक मोड इंस्टॉल किया जो कि इसे मिनी मैप और मेन मैप को अच्छा बना देता है। इस मोड का नाम है एटमॉस्फेयर इंटरफेस मैप। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद तुम लोग देख पाओगे कि मिनी मैप में चेंजेस आ जाते हैं और इसके टेक्सचर अच्छे हो जाते हैं और मेन मैप के भी टेक्सचर अच्छे होते हैं। अब जो गेम के लोडिंग स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा पुराने लगने लग गए हैं आज के टाइम के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रोकन सा लगता है। तो इसे भी अच्छा करने के लिए एक मोड होता है, तो ये बिल्कुल इसे ख़तरनाक बना देगा। इसका नाम है HD लोड स्क्रीन। इसे इंस्टॉल करने के बाद ये सब बिल्कुल मतलब लेटेस्ट टाइप का हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी लुक देता है इसे। तो गेम का मेन्यू भी कुछ खास नहीं, बिल्कुल बेकार सा ही है, तो इसे भी चेंज करने के लिए मैंने एक मोड इंस्टॉल किया है। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो बिल्कुल बेकार से लगते हैं साइड में, तो इसके लिए मैंने एक मोड इंस्टॉल किया है जिसका नाम है HD मेन्यू। ये मतलब बाकी पीछे की GTA 5 की इमेजेस सब लगा दे जाए तो वो देखने में अच्छी लगती है। ओके, तो अब हम लोग अगले मोड की तरफ चलते हैं। तो अब लोडिंग स्क्रीन ले लो, या फिर जब भी नीचे में लिख के आते हैं उसमें जो जितने भी फॉन्ट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं और उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, और लोडिंग स्क्रीन में भी उतने बढ़िया फॉन्ट्स नहीं हैं। तो इसे भी अच्छा करने के लिए एक मोड आता है, तो मैं सोचा था इसका, इस मोड का नाम है मोबाइल फॉन्ट फिक्स। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद इसके जितने भी फॉन्ट्स हैं फॉन्ट्स वो अच्छे हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक गेमर को चाहिए होती है हर गेम में, वो है गन्स के रिलेटेड चीज़। तो इस बार मैंने इंस्टॉल किया एडवांस एमिंग। ये एमिंग के जितने भी एनिमेशन उन्हें बहुत बढ़िया कर देता है। ये पुराना एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिखता था और नया एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और बहुत ज़्यादा एपिक है, ये बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आपका इस गेम में कोई भी अगर तुम्हें शूट करता है तुम्हें उस पर ब्लड के निशान दिखते हैं, तो उसे भी और इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक मॉड इंस्टॉल किया है। ओके, तो इसका नाम है ब्लड ऑन स्क्रीन। तो ये जब भी मारते हैं तो ये दिखाएगा कि तुम्हें यहाँ गोली लगी और ये डायरेक्शन भी बताता है। तो जैसे कि GTA सैन एंड्रियास बहुत पुराना गेम है, तो इसमें जैसे कि शूटिंग के टाइम रिकॉयल बिल्कुल ना के बराबर आता है, तो इसे भी ठीक करने के लिए मैंने इंस्टॉल किया वेपन रिकॉयल ऑटो। ये रिकॉयल को बढ़ा देता है, और अब हम लोग UI को अच्छा कर ही रहे हैं तो UI में ये तो बेसिक चीज़ें हैं तो इन्हें अच्छा करना बनता है। एंड ये ठीक ठाक रिकॉयल बनाता है जितने आना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं बनाता। ओके, अब गाइस नॉर्मल GTA सैन एंड्रियास में हमें बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है हमें, और इससे मतलब डिसएडवांटेज है इस तरीके से गेम का। इसे ठीक करने के लिए मैंने किया है बुलेट स्प्रेड फिक्स नाम का मोड इंस्टॉल किया है, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इससे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया फील होता है। जैसे तुम लोग देख सकते हो ये GTA सैन एंड्रियास के साथ तो बहुत कम रिकॉयल है। मैं शूटिंग की बात कर ही रहा हूँ तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि जब भी हम किसी को मारते हैं या किसी चीज़ पर मारते हैं तो उसमें होल्स नहीं होते हैं, बहुत कम होल्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मॉड इंस्टॉल किया है जिसका नाम है बुलेट होल्स। तो जब भी तुम कहीं पर शूट करोगे तो ये होल्स बना देगा और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब गेम में जितने वेपन थे वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गए और उनके टेक्सचर बहुत ज़्यादा ब्रोकन से लगते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक मॉड इंस्टॉल किया है जिसका नाम है लेटेस्ट वेपन पैक। ये सारे वेपन्स में अच्छे से स्क्रीन लगा देता है और उन्हें RTX तो नहीं लेकिन ठीक ठाक शेडर के साथ शो करता है और बहुत अच्छे लगते हैं इसके स्क्रीन। और अब एक और बात बताता हूँ, जैसे कभी भी हमारी हेल्थ कम होती है तो एनिमेशन चेंज नहीं होता है और अच्छा नहीं लगता, मतलब नॉर्मल सा एनिमेशन रहता है हेल्थ कम होने पर। तो इसके लिए लो लाइफ एनिमेशन मोड, ये थोड़ा सा सिक आदमी की तरह, बीमार आदमी की तरह तुम्हारा टेक्सचर दिखाएगा एनिमेशन, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है जैसे ये पेट पकड़ कर चल रहा है।
तो अगले मोड हमें ब्लास्ट एनिमेशन को बेटर करके दिखाता है, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट ओवर हाउल। तो इससे जो भी ब्लास्ट के एनिमेशन है और फायर के एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखते हैं। GTA 5 जितने अच्छे तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये फायर नेचुरल सी लग रही है। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो ये बिल्कुल ठीक ठाक है और टायर्स इसके पॉप आउट हो गए हैं, जैसे मैं तुम्हें दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे अगर इस गाड़ी को हम फोड़ते हैं तो इसमें देखो टायर्स पॉप आउट हो जाते हैं और बिल्कुल नेचुरल सी फायर आती है। तो अपना CG बड़ा अजीब सा दिखता है, इसके सारी उंगलियाँ चिपकी हुई रहती हैं, ये बिल्कुल अजीब सा दिखता है और इसके में मतलब अच्छे टेक्सचर्स नहीं आते। और हम लोग हर चीज़ को अच्छा कर दें और अपने CG को ही अच्छा ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो इसे भी हम लोग रिमास्टर्ड करेंगे और इसे रिमास्टर्ड करने के बाद ये 4K होगा और इस मोड का नाम है CG रिमास्टर्ड। और इसके बाद ये बिल्कुल 4K में दिखेगा और बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब जैसा भी समझ लो। और इसकी उंगलियां भी अब चिपकी चिपकी नहीं रहेंगी, इसकी उंगलियां भी अब अलग अलग दिखाई देंगी। ये अच्छा है क्योंकि चिपकी हुई उंगलियां ठीक नहीं लग रही थी। तो अब कटसीन्स के दौरान जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं तो उनका टेक्सचर तो अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल सा ही है। CG इतना अच्छा जैसे हम लोगों ने कर दिया वैसा नहीं है। तो इसके लिए भी मैंने एक मॉड खोजा है, कटसीन कैरेक्टर रिमास्टर्ड। तो ये जितने भी कटसीन वाले कैरेक्टर हैं उन्हें मतलब अच्छे टेक्सचर के साथ दिखाता है, जैसे तुम लोग देख सकते हो। और अब हम लोग NPCs की बात करते हैं। NPCs उन्हें बोलते हैं जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं आसपास घूमने वाले। तो इन्हें इनका भी अच्छा कर देते हम लोग टेक्सचर। तो इनका टेक्सचर अच्छा करने के लिए एक लगा है मॉड जिसका नाम है न्यू पेट स्किन। तो इससे मतलब इनका भी टेक्सचर अच्छा हो जाता है, जैसे तुम लोग देख सकते हो। तो अब हम लोगों ने सारे कैरेक्टर्स, तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स का हम लोगों ने कर दिया है बढ़िया रिमास्टर। अब सुनो मेरी बात। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट आ चुका है और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, इसीलिए वेट करो। और अगले पार्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होने वाली है, क्योंकि हम लोग पूरे के पूरे 50 मोड्स इंस्टॉल कर देंगे। और अगर तुम लोग चाहते हो कि इन तीनों वीडियोज़ को मैं एक साथ जोड़ के रीअपलोड कर दूँ तीनों पार्ट डालने के बाद, तो कमेंट कर दो, मैं कर दूँगा। ओके एंड गुड बाय। They say, oh my God, I see the way you shine.